राधे राधे दोस्तों, भाई बहनों, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो चलिए भगवान जी को भोग लगा देती हूँ सबसे पहले, और आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि 17 सालों से मैं रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाती हूँ, क्या मजबूरी है मेरी। तो वीडियो को पूरा देखिए। हाय फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए मैं तैयारी कर ली हूँ, भगवान जी भी नहा धो लिए हैं और रेडी हो गए हैं राखी बंधवाने के लिए। जैसे कि भाई नहा धो करके रेडी हो जाते हैं राखी बंधवाने के लिए, वैसे मेरे छोटा सा प्यारे से लड्डू गोपाल जी भी नहा धो करके बहन से राखी बंधवाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं तिलक कर रही हूँ भगवान जी को। तो मेरे घर में दो लड्डू गोपाल जी हैं और गणेश जी हैं, तो मैं तीनों लोग को राखी बांधती हूँ। और सारा मंदिर जो है मैं साफ़ कर ली थी सुबह उठ करके, मतलब नहा धो करके साफ़ कर ली थी मंदिर को। उसके बाद मैं भगवान जी को नहलाई हूँ और तैयार करके बैठा दी हूँ। जैसे भाई लोग तैयार हो जाते हैं राखी रक्षाबंधन के दिन नहा धो करके बहन से राखी बंधवाने के लिए, वैसे मेरे जो छोटे लड्डू गोपाल जी हैं वो भी तैयार हो गए हैं बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो चलिए राखी बांध देते हैं और आरती उतारते हैं। वैसे भगवान जी ही सबसे नज़दीक रहते हैं, मानिए तो सब चीज़ में भगवान जी के बिना कुछ नहीं चल सकता दुनिया का। तो बस सबसे अच्छे भाई यही हैं और इनको पहले राखी बांधना चाहिए। और जिसके भाई नहीं है वो भी राखी बांध सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई नहीं है तो रोएं और राखी ना बांधें। तो भगवान जी को भाई मान करके राखी बांध लेना चाहिए। और दुख सुख सब जगह भगवान जी ही हमारे काम आते हैं। तो हुए ना भाई, भगवान जी रक्षा करते हैं। तो भगवान जी की देखिए यहाँ पर मैं राखी बांध दे रही हूँ और आरती कर ले रही हूँ। वैसे मैं 17 साल से मायके नहीं राखी मनाती हूँ, 17 साल हो गया राखी मनाए हमको। और क्यों नहीं मैं जाती हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं इसकी स्टोरी बताऊँगी आप लोग को अगली वीडियो में। और क्या करें, शादी होने के बाद मजबूरी हो जाती है और कुछ घर का प्रॉब्लम भी है, तो बस यही है। और सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, मेरे घर में भी है। सोशल मीडिया पे बताना नहीं चाह रही थी मैं, लेकिन ऐसा दिन होता है ना तो मन बहुत दुखी हो जाता है कि राखी नहीं मना पाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। और मायके गए भी हमको बहुत दिन हो गया है। जो मेरे यूट्यूब फैमिली से हैं उनको पता होगा कि मैं जब से यूट्यूब चैनल ओपन की हूँ तब से मैं कभी मायके नहीं गई हूँ। और क्या मजबूरी है मैं बताऊँगी, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर सुनना चाहेंगे, मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बताऊंगी। और यहाँ पर मैं पानी पिला रही हूँ भगवान जी को मिठाई खिला करके। वैसे तो रोज़ पूजा होता है सुबह शाम, लेकिन कोई त्यौहार रहता है, रक्षाबंधन रहता है, तो खास पूजा करते हैं अच्छे से। थोड़ा टाइम भी लगता है लेकिन मन को बहुत शांति मिलता है सच में। ऐसा मंदिर में बैठ जाइए जा करके, या घर में जो मंदिर है पूजा करिए, तो दिमाग में जो टेंशन है ना वो भी एक साइड में हो जाता है। और हम लोग को भगवान जी के चरणों में कुछ पल ज़रूर बिताना चाहिए, खुशी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रणाम कर रही हूँ और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को रेड रेड ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। और मेरा यहाँ पर पूजा पाठ हो जाएगा, उसके बाद मेरा जो दो लड़के हैं वो भी राखी बंधवाने जाएंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है मेरी भी कोई लड़की नहीं है, भगवान ने तो लड़की दिए थे लेकिन
नसीब में नहीं था तो बस नहीं है अभी। बाय बाय। यहाँ पर देखिए उसके पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए, थोड़ी दूर पे हैं। और जब से मेरा वैभव हुआ है तब से वो राखी बांधती हैं, मेरे बगल में ही रहती थी वो, अपनी ही एकदम है वो लोग, मारवाड़ी है। और जब से वैभव हुआ है तब से वही राखी बांधती हैं, बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पर देखिए मैं खाना बना रही थी तो यहाँ पर मैं छोला बना रही हूँ। कैसा लग रहा है कलर छोला का? और यहाँ पर है गुलाब जामुन, और यहाँ पर है खीर। तो खीर बन गया, गुलाब जामुन बन गया और छोला भी बन गया। अब पूरी गरम गरम निकालूंगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को खिलाते हैं उसके बाद बच्चों को खिलाएंगे। मैं सुबह में नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे चले गए थे राखी बंधवाने, तो लोगों ही पे खा लिए, और हम बस दाल चावल बनाए थे दोपहर में। बच्चों के पापा थे और हम, तो बच्चे नहीं रहते हैं तो कुछ खाना बनाने का मन भी नहीं करता है, तो हम सोचे चलो शाम को बना देंगे रात का जो खाना होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी निकल रही है गर्मा गर्म, और बस खाना तैयार हो जाए भोग लगाने के लिए दे देंगे भगवान जी को। सुबह में मिठाई और फल का भोग लगा दिए थे भगवान जी का, और अभी खाना का भोग लगा देते हैं। ऐसे तो लहसुन प्याज हम लोग सावन में नहीं खाते हैं, तो खाना में ऐसे भोग लगा देते हैं, साफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बेल रही हूँ पूरी, और छोटी कढ़ाई है ना, इसमें बहुत अच्छा लगता है हमको बनाना। लोहे की कढ़ाई है, बड़ी कढ़ाई भी है लोहे का, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाना रहता है, तो मैं सोचती हूँ चलो इसी में पूरी निकाल लेती हूँ, तेल भी कम लगेगा। और नहीं तो बड़ी कढ़ाई अगर डाल चढ़ाते हैं गैस पे ना, तो उसमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। और हम लोग बस चार लोग हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा फिर ऑयल निकाल करके फिर रखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली जब रहती है ना तो ऑयल लग जाता है उतना, लेकिन जब फैमिली उतना नहीं है तो फिर ऑयल ख़राब हो जाता है, और तला हुआ ऑयल ज़्यादा दिन यूज नहीं करना चाहिए। तो बस खाना तैयार है, यहाँ पर मैं खाना निकाल ली हूँ, तो चलिए भोग लगा लेती हूँ, और उसके बाद आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, मेरे भाइयों मेरे बहनों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, तो चलिए साथ में खाते हैं, अच्छा लगेगा, हम लोग भी तो एक फैमिली है ना, तो साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग? बस छोटा सा है, मैं सोची ज़्यादा दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ तो अपलोड कर देती हूँ, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, इंतज़ार करिएगा। नमस्कार जी।